नमस्कार, मैं निवेदिता राठौर, केकेआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक कर लेते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। डाबरा विधानसभा चुनाव में इमरती देवी की हार का फिर झलका दर्द। उन्होंने कहा कि मैं हारी नहीं हूं, मैं जानती हूं मुझे किसने हराया है, मैं इसके पीछे नहीं जाना चाहती। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूं कि जहां आपका पसीना गिरेगा मैं वहां अपना खून बहा दूंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा फेज 2.0 के अवसर पर आयोजित हितग्राही सम्मेलन एवं सम्मान समारोह के अवसर पर इमरती देवी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष कहा। साथ ही इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर से चुनाव लड़ने की नसीहत भी दे डाली। इमरती देवी ने खुले मंच से श्री सिंधिया को ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही, जिस पर सिंधिया जी ने मीडिया से कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, मुझे जैसा पार्टी आदेश देगी मैं वैसा ही करूंगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा वो सिरमाथे लेना हमारी जिम्मेदारी और हमारा दायित्व। जनता भी चाह रही है, जनता की चाह देखेंगे क्या? जनता चाह रही है। प्रधानमंत्री जी की यही सोच और विचारधारा है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति विश्व भर में रहे उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा भारत की सरकार सुनिश्चित करे। और इसके कई उदाहरण हमने पिछले 10 वर्षों में देखे। स्वयं जब मैंने आपको अपना अनुभव बताया, जब प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन में हमको भेजा था, 30,000 हमारे बच्चों को सुरक्षित हम लोग वापस ले गए। भारत मतलब भारतीय और हर भारतीय का संरक्षण करना, सुरक्षित रखना, ये हम लोगों का धर्म होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ और प्रधान रक्षक हूँ।